Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Covent College University Hyderabad e-learning program. I'm with you Professor Mohammad Salim Mughal, Chairman Department of the Zoology, Covent College University Hyderabad. Today we are going to have a lecture on Animal Diversity 1 Invertebrates, and the topic today is phylum Mollusca. So for convenience, I have divided this lecture into three parts. So this lecture is going to deal with the silent features of the phylum Mollusca. If you have any question, queries, please let me know on my WhatsApp. फाइलम मोलस्का किंगडम एनिमेलिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है और इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फाइलम मोलस्का के ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाते हैं, और उनमें से एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की पे पाए जाने वाले कंसिडर किए जाते हैं, मगर बुनियादी तौर पर ये पानी के जानवर हैं जो मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में हर जगह पर पाए जाते हैं। ये जानवर अपने जिस्मानी साख्त के लिहाज से गोश्त के एक लोथड़े की तरह से सॉफ्ट फ्लैशी बॉडी रखते हैं, और चूँकि ये अनप्रोटेक्टेड होते हैं इसी सूरत में, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से मेजॉरिटी ऐसे मोलस्का हैं जिनके जिस्म के बाहर, जिनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कैलकेरियस शेल या होल पाया जाता है। ये कैलकेरियस शेल या होल जो है इनकी हिफाजत के लिए बनाया जाता है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कैल्शियम कंपाउंड्स बहुत सख्त होते हैं, तो इस सख्त पत्थर की तरह से खोल की वजह से इनकी दीगर जानवरों से यानी जो कार्निवोर एनिमल्स हैं उनसे बहुत हद तक इनके जो है हिफाजत हो जाती है। मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी ये पूरा जिस्म जो है जिस तरह से भी सेगमेंटेशन या एक मेटामॉरिज्म, एक बायोलॉजिकल फिनमिना है, वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो एक ही हिस्से की ये बॉडी होती है, और जहाँ तक सिमेट्री का ताल्लुक है तो मोलस्का में मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बायलैटरल सिमेट्री से मुतालिक फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैं जिनमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल और दो लैटरल साइड्स में बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये जो बॉडी है, अब चूँकि शेल की बात पहले हो चुकी है, तो आपके जो अगला पॉइंट आप देख रहे हैं वो उनके मेंटल से मुतालिक है। और जिस तरह से आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, मेंटल जो है इनकी जो सरफेस है, जो बैरूनी सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस है, उसके बाहर कवर या कोटिंग यानी उसकी टिशू को कहा जाता है। अच्छा, ये मेंटल अपने बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट के जो केमिकल सीक्रेट करती है उसकी वजह से शेल बन जाता है। तो मेंटल का बुनियादी तौर पर काम शेल को बनाना है। इसके अलावा जो इनके शेल के अंदर बाकी बॉडी है जिसमें उनके तमाम सिस्टम्स पाए जाते हैं, ये सब मिलकर विसरल मास कहलाते हैं। और इस विसरल मास में से ये आम तौर पर एक मस्कुलर फ्लैशी फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बाहर निकालते हैं, और ये मस्कुलर फ्लैशी फुट जो है इनके लिए हरकत करने का, खुराक को पकड़ने का, डिगिंग करने का, बरोज बनाने का, बिल बनाने का मिट्टी के अंदर, ये इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। इनमें से बाद ऐसे भी हैं जिनने ये फुट मॉडिफाई हो जाता है और आर्म्स या टेंटिकल्स बन जाते हैं, और फिर उसके ज़रिए ये दूसरे जानवरों पर हमला भी कर सकते हैं और उनको अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोलस्का ग्रुप की ख़ास बात, बड़ा अहम फीचर
जिस तरह से अभी आपने मेंटल के बारे में सुना था, उसी तरह का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर बकल कैविटी में पाया जाने वाला एक रेस्पिंग ऑर्गन है, यानी एक तरह की आप जुबान समझ लीजिए, जिसे रेड्यूला कहा जाता है। ये रेड्यूला मुंह में से बाहर निकाल सकते हैं और इस पर कांटे की तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिसकी मदद से ये अपनी खुराक को हासिल कर सकते हैं। तो ये दो फीचर्स, ख़ास तौर पर रेड्यूला और मेंटल जो है, ये सिर्फ मोलस्का के फीचर हैं, मोलस्का के अलावा दूसरे ग्रुप्स के अंदर नहीं पाए जाते। फाइलम मोलस्का के जो अदर फीचर्स हैं, उनमें हम बात करेंगे अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। एंड एज यू कैन सी, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप। अच्छा, इस ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड, जिसे उमूमन ब्लड कहा जाता है, इज़ नाउ टर्म्ड एज द हीमोलिम्फ। ये टिश्यू स्पेसिस के दरमियान, साइनसिस के दरमियान सर्कुलेट होता है, लेकिन इसको सर्कुलेट करने के लिए इनमें पंपिंग ऑर्गन, यू मे कॉल इट हार्ट, एंड कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। और ओपन इसलिए कहा जाता है कि ब्लड वेसल्स टिश्यूज़ में जाने के बाद में खुल जाती हैं, यानी जिस तरह से कोई पाइप खुला हुआ होता है, इस तरह से खुल जाती हैं और ब्लड उनमें से निकल कर, बाहर निकल कर टिश्यू स्पेसेस के दरमियान चला जाता है। और इस तरह से तमाम जिस्म के टिश्यूज़ और ब्लड, यानी कि हीमोलिम्फ, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मैनिफेस्टेड बाय मोलस्का इज़ टर्म्ड एज द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इस फिगर में अब आप जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें एरोस के थ्रू हीमोलिम्फ की सर्कुलेशन देख सकते हैं। एरोस को फॉलो कीजिएगा तो आप ये देखें कि किस तरह से ब्लड हार्ट से तमाम टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है, फिर टिश्यूज़ से, हीमोसील से, साइनसिस से उसको कलेक्ट करके गिल्स में लाया जाता है। गिल्स में ऑक्सीजनेट करने के बाद में इस ब्लड को वापस दिल की तरफ लाया जाता है, ताकि इसको दोबारा से पम्प किया जा सके। सिलोम एंड हीमोसील। हाँ, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आपको सिलोम और हीमोसील मोलस्का में नज़र आ रही है। और सिलोम इज़ एक्चुअली द स्पेस फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडम। आपको पता है मीजोडम एनिमल्स में, ट्रिप्टोब्लास्टिक एनिमल्स में, दरमियानी जर्मिनल लेयर्स ऑफ द सेल्स को कहा जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो मीजोडम है, उसके दरमियाने से वो फट जाती है, और उसकी वजह से बनने वाले गैप को, उस खाली जगह को सीलोम कंसिडर किया जाता है। तो मोलस्का एनिमल्स में सबसे पहला ग्रुप है जहाँ पे सीलोम फॉर्मेशन से मुतालिक आप जान रहे हैं। लेकिन चूंकि इनकी सीलोम आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वो बहुत छोटी सी है, और इनके गुनेट्स और जो हार्ट है, पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो बाकी जो बॉडी है उसमें तमाम स्पेसेस को, जो कि इस वक्त आप स्लाइड के अंदर लाइट स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये सारा जो है इनका हीमोसील है। हीमोसील एक्चुअली टिश्यू स्पेसेस का नाम है, साइनसिस का नाम है। चूंकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इनका जो हीमोलिम्फ है, जिसे आमतौर पर ब्लड समझा जाता है, वो इन टिश्यू स्पेसेस के दरमियान रिलीज कर दिया जाता है, और इस तरह से साइनसिस में ब्लड फिल होने की वजह से इन्हें हीमोसील कहा जाता है। नाउ फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पॉइंट ऑफ व्यू, मोलस्का आर यूजुअली हर्मोफ्रोडाइट। इसका मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल में, एक ही एनिमल में टेस्टिस और ओवरीज, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के
जानवरों के बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं। टेक्निकली इन्हें हर्मोफ्रोडाइट कहा जाता है, और डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे, इन्हें हम एनिमल्स के ख़ास ग्रुप में रखते हैं जिन्हें प्रोटोस्टोम्स का नाम दिया जाता है। प्रोटोस्टोम्स का मतलब वो एनिमल्स हैं जिनमें सबसे पहले बनने वाली एम्ब्रियो में जो ओपनिंग है वो इनके माउथ में तब्दील हो जाती है एडल्ट एनिमल के, इसलिए इन्हें प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। आइए अब इस इमेज को मज़ीद बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि जो एंसेस्टर एनिमल्स हैं कि मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में इनका एवोल्यूशन हो रहा है, और इस एवोल्यूशन में अगर आप सेंटर में ऊपर की तरफ देखें तो आपको प्रोटोस्टोम्स का ग्रुप जो है दिखाई देगा, और अगर उसके साथ राइट साइड पे जो ब्लैक लाइन को फॉलो करते हुए जाएं तो आप ये देखेंगे कि एक्टोप्रोक्टा, मोलस्का, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, ये एक्चुअली प्रोटोस्टोम्स ही के ग्रुप हैं। और इसमें मोलस्का आप देख सकते हैं जिसके सामने एक छोटा सा स्नेल भी बना हुआ है, तो प्रोटोस्टोम एक्चुअली हम उन एनिमल्स को कहते हैं जहाँ पे इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लास्टोपोर डेवलप होता है, चूँकि वो ब्लास्टोपोर अर्ली स्टेज में डेवलप होता है, एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद जब एडल्ट एनिमल अपने तमाम ऑर्गन्स वगैरह डेवलप कर लेता है तो एन इस जगह पर उसी ब्लास्टोपोर के मुकाम पर एक मरतबा फिर से ओपनिंग पैदा हो जाती है, और ये ओपनिंग जो है अब उसका माउथ बन जाती है। तो इस तरह के जो भी एनिमल्स हैं जो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करते हैं उन्हें हम प्रोटोस्टोम्स का नाम देते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स में ये एनिमल्स जो है, जो भी आपने सुने थे, वो इसमें शामिल होते हैं। मोलस्का के दीगर फीचर्स की तो हम अगले लेक्चर में तफसील से बात करेंगे, लेकिन अब हम आते हैं मोलस्का की क्लासिफिकेशन की तरफ। इस ग्रुप को इनकी शेल के बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया जाता है। नाउ दीस क्लासेस आर कॉडोफोवियटा, ए प्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया एंड सेफलोपोडा। इस तरह से आप ये स्लाइड पे देख सकते हैं, कॉडोफोवियटा वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी वाले ऐसे मोलस्का होते हैं जिनमें शेल नहीं पाया जाता, मरीन में होते हैं, बिल बना के समंदर की तह में मिट्टी में रहते हैं। ए प्लैकोफोरा भी विदाउट शेल है, इनकी जो स्किन है उस पर बैरूनी सतह पर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। मोनोप्लैकोफोरा, इनका जो शेल है वो सिर्फ एक प्लेट का बना हुआ होता है। पॉलीप्लैकोफोरा, इनका शेल एक जानब होता है लेकिन वो 8 मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर बनता है। स्कैफोपोडा का ट्यूब लाइक शेल होता है, एक नलकी की तरह से, पाइप की तरह से समझ लीजिए, जिस तरह से हाथी दांत होता है इस तरह का। गैस्ट्रोपोडा का शेल सबसे मुख्तलिफ है, ये शेल स्पायरली कॉइल्ड शेल होता है और इसमें बहुत सारे बल पड़े हुए होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, आगे इसकी तफसील से बात करेंगे। क्लास बाइवेल्विया, ये ऐसे मोलस्क हैं जिनका शेल 2 प्लेट्स या वेल्व पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह से कोई डिबिया होती है। यूँ समझ लीजिए आपके पास अगर कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, इस तरह कोई बॉक्स है छोटा सा, तो ये बिल्कुल बाइवेल्विया का एक बेहतरीन मॉडल है। अगला ग्रुप और आखिरी ग्रुप सेफलोपोडा, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें या तो शेल एक्सटर्नल होने की बजाय इंटरनल होता है, और या फिर इस ग्रुप के अंदर शेल मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होता है।